हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फेलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीबीसी असेंबली पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीसी। तो सीबीसी जो बहुत ज्यादा टर्म यूज किया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है सेंटर बफर कपलर। ये हमारा सीबीसी का फुल फॉर्म हो गया। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द बिगेस्ट लिंक ऑफ सीबीसी। सीबीसी की बिगेस्ट लिंक क्या है, सबसे कमजोर लिंक, तो वो हमारी होती है नकल। थर्ड क्वेश्चन, विच फोर्स इज ट्रांसमिटेड बाई सीबीसी। तो सीबीसी के द्वारा कौन कौन से फोर्स ट्रांसमिट होते हैं, तो इसमें हमारा ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, विच टाइप्स ऑफ सेंटर बफर कपलर आर यूज्ड इन फ्रेट स्टॉक। यानी मालगाड़ियों में कौन कौन से प्रकार के हमारे सेंटर बफर कपलर यूज किए जाते हैं, तो इसमें हमारा AAR एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेल रोड, AAR E/F टाइप सीबीसी। E/F का क्या मतलब है, तो E जो होता है उस टाइप का हमारा E टाइप का हेड होता है और F टाइप की सैंक प्लेट होती है, इसलिए इसको AAR E/F टाइप सेंटर बफर कपलर या सीबीसी। क्लेविस एंड क्लेविस पिन आर पार्ट्स ऑफ विच टाइप ऑफ सीबीसी। तो सीबीसी का एक मेरा वीडियो है जिसमें हमने ट्रांजिशनल सीबीसी और नॉन ट्रांजिशनल सीबीसी में डिफरेंस बताया है। तो ये क्लेविस और क्लेविस पिन जो है वो हमारे ट्रांजिशन टाइप के सीबीसी के पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, MK50 एंड RF-361 आर टाइप ऑफ, ये किसके टाइप है, तो ये हमारे हाई टेंसाइल ST ड्राफ्ट गियर, हाई टेंसाइल ड्राफ्ट गियर की टाइप्स हैं। विच टाइप्स ऑफ कपलर यूज्ड इन EMU और डेमो। तो EMU और डेमो में जो हमारा कपलर यूज होता है वो हमारा सेकू कपलर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीबीसी यूज इन इंडियन रेलवे, इसका एक हमारा वीडियो है, उस वीडियो में आप सेकू कपलर का फोटो देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं कैसा होता है, जो कि हमारा EMU या डेमू में यूज होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड एंड कंडेम्ड लिमिट ऑफ नकल नोज बियर। नकल नोज में कितना बियर होता है, उसकी स्टैंडर्ड लिमिट क्या है, तो स्टैंडर्ड जो लिमिट है इसकी, स्टैंडर्ड शॉर्ट में लिख दिया STD, 18 mm इसकी स्टैंडर्ड लिमिट है, और जो कंडम लिमिट है वो हमारी 9.5 mm इसकी कंडम लिमिट है। व्हेन सैंक बियर प्लेट मस्ट बी रिप्लेस, तो सैंक बियर प्लेट को हमें कब रिप्लेस करना है, तो इसकी जो न्यू थिकनेस होती है वो 6 mm है, और जब ये 1 mm रिड्यूस हो जाए, तो इसको लिख देते हैं Reduced by 1 mm, यानी न्यू थिकनेस। अब इसकी जो कंडेम थिकनेस हो जाएगी, हमें इसको कब रिप्लेस करना है, क्वेश्चन क्या था, व्हेन सैंक बियर प्लेट मस्ट बी रिप्लेस्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस्ड बाई 1 mm, जब इसकी थिकनेस 1 mm से रिड्यूस हो जाएगी तब हम इसको रिप्लेस कर देना है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड STD यानी स्टैंडर्ड डिस्टेंस बिटवीन कपलर बॉडी हेड एंड स्ट्राइकर कास्टिंग। कपलर बॉडी हेड और स्ट्राइकर कास्टिंग के बीच की जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो 108 mm होती है। नंबर ऑफ सीबीसी गेज यूज, सीबीसी के गेजिंग के लिए कितने गेज यूज होते हैं हमारे जो सीबीसी असेंबली है, तो टोटल 8 गेज हमारे यूज होते हैं। द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री स्लैक इन ड्राफ्ट गियर इन सर्विस,
जो फ्री स्लैग कितना है वो हमारा 25 mm का फ्री स्लैग अलाउ होता है, मैक्सिमम है। स्टैंडर्ड एंड बियर लिमिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन नोज ऑफ नकल एंड गार्डा, तो स्टैंडर्ड जो डिस्टेंस है हमारी नोज ऑफ नकल, नकल नोज और गार्डार्म के बीच की, तो वो 127 mm है। और जबकि अगर हम इसी की कंडम की बात करें तो कंडम लिमिट इसकी या बियर लिमिट जो हमारी है वो 130 mm है। इसके लिए भी एक वीडियो है कंटूर गेज नंबर 1 और 2, उसमें आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कंटूर गेज नंबर 1 लगाते हैं, अगर उसमें हमें हमारा गेज पास हो जाता है तो हम नकल 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 पेन और लॉक तीनों को चेंज करते हैं, और तीनों चेंज करने के बाद गेज नंबर 2 लगाते हैं। अगर गेज नंबर 2 हमारा उस वक्त पास हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो गार्ड आर्म है, सीबीसी गार्ड आर्म है, वो हमारी एक्सपेंड हो चुकी है, तो यानी हमें उस वक्त सीबीसी बॉडी को चेंज करना है। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर, तो इसमें हमारे MK50 और RF361, इसके अलावा और भी होते हैं हमारे। स्टैंडर्ड एंड रिजेक्शन डायमेंशन ऑफ नकल पिन डायमीटर, नकल पिन डायमीटर की जो स्टैंडर्ड और रिजेक्शन लिमिट है वो हमारी कितनी होती है, तो नकल पिन की जो हमारी है वो स्टैंडर्ड जो है नकल पिन वो 41.28 mm, ये स्टैंडर्ड हो गई। और इसकी रिजेक्शन जो लिमिट है हमारी, रिजेक्शन है 39.5 mm पे, क्योंकि जो उसका डाया है वो रिड्यूस होगा पिन का, तो वो रिड्यूस होके इतना हो जाएगा। स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, तो बफर प्रोजेक्शन कितना होगा स्टैंडर्ड, तो इसकी वैल्यू है 635 mm। व्हाट इज द वर्किंग स्ट्रेंथ ऑफ सीबीसी, सीबीसी की वर्किंग स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो है हमारी 120 टन। गेज नंबर 3 इज यूज टू चेक, जो गेज नंबर 3 है, अभी मैंने आपको बताया कुल 8 गेज होते हैं, तो उसमें जो गेज नंबर 3 है वो कब यूज होता है, तो उसका यूज है गार्ड आर्म डिस्टॉर्शन, गार्ड आर्म में के डिस्टॉर्शन को चेक करने के लिए गेज नंबर 3 यूज किया जाता है। विच टाइप ऑफ सीबीसी आर यूज इन बीएलसी वैगन, तो बीएलसी वैगन में दो प्रकार के सीबीसी यूज होते हैं, एक तो हमारा एसडीबी हो गया स्लैकलेस ड्रॉबार, और दूसरा हमारा सेंटर बफर कपलर, जिसे हम सीबीसी कह सकते हैं। ये दो प्रकार के हमारे सीबीसी यहां पर यूज होते हैं। एसडीबी कहां कहां यूज होता है, दो बीएलसी बी कार के बीच में, और बीएलसी ए कार और बी कार के बीच में भी होता है। जबकि सीबीसी कहां यूज होगा, तो बीएलसी ए कार के एक एक एंड पर हमारा सेंटर बफर कपलर लगा होता है। बीएलसी वैगन पे भी हमारा एक बीएलसी वैगन पे भी वीडियो है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और वीडियो वॉच कर सकते हैं बीएलसी वैगन किस तरह से होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ क्लेविस पिन, क्लेविस पिन का जो स्टैंडर्ड आया है वो हमारा कितना होता है, तो इसका स्टैंडर्ड आया 38 mm है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन, अभी स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन हो चुका है, तो इसकी जगह हम इसकी मिनिमम परमिसिबल व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल बफर प्रोजेक्शन फ्रॉम हेड स्टॉक, स्टैंडर्ड तो मैंने आपको बताया था 635 होता है, लेकिन मिनिमम कितना होता है, तो ये हमारा है 584 mm बफर प्रोजेक्शन है। स्टैंडर्ड ऑब्लिक कंडम लिमिट ऑफ बियरिंग पीस स्लॉट, बियरिंग प्लस पीस स्लॉट जो है उसकी हमारी स्टैंडर्ड जो वैल्यू है वो तो 17.5 mm होती है, जबकि कंडम जो लिमिट है इसकी 19.5 mm है, यानी 2 mm का बियर इसमें अलाउ होता है। तो दोस्तों ये रहे हमारे सीबीसी असेंबली पर बेस्ड क्वेश्चंस। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।